नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इम्पॉर्टेंट सेशन लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस प्रैक्टिस 4 है। जिन लोगों ने भी पहला, दूसरा और तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेशन नहीं अटेम्प्ट किया था, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक थे। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़िए, चौहान वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने है, ए वसुदेव, बी पृथ्वीराज चौहान प्रथम, सी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसका सही आंसर है आंसर ए वसुदेव। मिलाते चलिए साथ साथ में और कमेंट भी करते रहिए। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए है 1872, बी है 1951, सी है 1881 और डी है 1931। इसका सही आंसर होगा 1872। दोस्तों ये 1872 में जो जनगणना हुई थी ये मेयो के काल में हुई थी और 1881 में रिपन के काल में हुई थी। तो मेयो के समय में ये सिर्फ प्रैक्टिस टाइप में हुआ था, जिससे कि कुछ क्षेत्र में हुआ था, सिर्फ भारत के थोड़े से एरिया में ये देखा गया था कि क्या जनगणना होना यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। एक तरह से जैसे किसी भी काम को शुरुआत करने के पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मेयो के काल में होता है, इसीलिए इसको भी कंसिडर किया जाता है कि 1872 में। बाकी रूटीनली जो स्टार्ट हो गया था एक के बाद एक, वो 1881 से हुआ था रिपन के काल में। चलिए खैर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए रवीन्द्रनाथ टैगोर, बी कृष्णाचारी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विनोबा भावे। और इसका सही आंसर है ए रवीन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई जा रही है एक तरह से कपड़ों की बर्बादी है। ये कब कहा था? ये कहा था स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों जो भी विदेशी कपड़े थे उनको जलाया जा रहा था, उनकी होली मनाई जा रही थी। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कपड़ों की बर्बादी से किसी भी प्रकार का विरोध का कोई मतलब नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है, ए 1981, बी 1992, सी 1989, डी 1994। इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा 1989। 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदान की उम्र कर दी गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, ट्राई करिए इसे। पौधों से संबंधित हार्मोन है, ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी साइटोकाइनिन और डी रिलैक्सिन। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा आंसर सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों पौधों से संबंधित हार्मोन है, आपको याद रहना चाहिए जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन हार्मोन पौधे के हार्मोन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं में से पूछा जाता है। और ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये जो तीनों मैंने ऑप्शन में दे रखे हैं, ये महिलाओं में पाए जाते हैं, ये महिलाओं से संबंधित हार्मोन है, तो इसे याद रखिए। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं, मोरी कल्चर में खेती करते हैं किसकी? तो ए ऑप्शन है बेर की, बी है अंजीर, सी है सहतूत और डी है केले की। तो इसका सही आंसर होगा सी सहतूत। सहतूत की खेती करते हैं मोरी कल्चर में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, सातवां है, बायोडीजल में प्रयोग किया जाता है, यानी कि बायोडीजल बनाने में इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ए नींबू, बी जेट्रोफा, सी नीम के बीज, डी धान की भूसी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी जेट्रोफा, जिसे हिंदी में रतन जोत भी बोलते हैं, रतन जोत। मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसी का बीज का प्रयोग आजकल बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आठवां प्रश्न लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन गैस का प्रतिशत पर्यावरण में है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 0.9%, बी 0.03%, सी 0.30%, डी 2%।
तो ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मैं आपको खैर बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा ए 0.9%। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान से जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान से जोड़ा गया? तो ऑप्शन आपके सामने ए 101 यानी 101, बी 110, सी 120, डी 105। और इसका सही आंसर है ए 101। 101 में संविधान संशोधन के तहत जो जीएसटी है उसको संविधान से जोड़ा गया। दसवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, डंडा नाव नृत्य किस प्रदेश का है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, डंडा नाव नृत्य किस प्रदेश का है? ऑप्शन आपके सामने है हिमाचल प्रदेश, बी कश्मीर, उत्तराखंड और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ए हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर सामने है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन आपके सामने है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। 12वां प्रश्न लेते हैं, सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे जोन जितने भी हैं उनकी ट्रिक हमने अपने चैनल पर डाल दी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने है दीमापुर, गुवाहाटी, सी दिसपुर, डी हावड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बी गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लर्मा रोजो 64 किस फसल की किस्म है? ऑप्शन आपके सामने है ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी गुलाब। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, लर्मा रोजो इसमें लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रोज है, तो गुलाब तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। इसका सही आंसर है गेहूं, सी। चलिए 14वां प्रश्न लेते हैं, कैल्कोपाइराइड अयस्क है किसका? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कैल्कोपाइराइड किसका अयस्क है? ऑप्शन आपके सामने है ए जस्ता, बी क्रोमियम, सी लोहा, डी तांबा। इसका सही आंसर होगा सी लोहा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 15वां प्रश्न है दोस्तों, डायमेकस किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, डायमेकस किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए आपके सामने है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त और डी बिंबसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी बिंदुसार। बिंदुसार के राज्य में डायमेकस भारत में आया था, डायमेकस एक यात्री था। चलिए 16वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? ऑप्शन आपके सामने है तुर्किस्तान, सीरिया, मोरक्को या फिर इटली। और इसका सही आंसर है डी इटली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 17वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है इनमें से? तो ऑप्शन ए आपके सामने द्वारका प्रसाद टैगोर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। 18वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे CVC बोला जाता है इंग्लिश में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, की स्थापना वर्ष कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिया है दोस्तों ए 1964 यानी 1964, 1962, 1975, 1981। और इसका सही आंसर होगा ए 1964। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 19वां प्रश्न है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? ऑप्शन आपके सामने है 1975, 1966, 1981 या फिर 2005। और इसका सही आंसर होगा बी। चलिए 20वां प्रश्न लेते हैं हम दोस्तों, भारत के लिए इंडिया शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन आपके सामने है बाबर ने, बी डायमेकस, सी
हेरोडोट्स या फिर डी इब्न बतूता। तो ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर होगा हेरोडोट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है 21वां प्रश्न, अहोम विद्रोह हुआ। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अहोम विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1850, बी 1923, सी 1828 या फिर डी 1920। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी 1828, अहोम विद्रोह। 22वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, देवपाड़ा अभिलेख जुड़ा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, स्कंदगुप्त से, बी गौतमी बलश्री, सी विजय सेन, डी रुद्रदामन। देवपाड़ा अभिलेख जुड़ा है किससे, इनमें से किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विजय सेन से। चलिए 23वें प्रश्न पर हम चलते हैं। 23वां प्रश्न है, क्रायोफाइट कहते हैं, किसे कहते हैं क्रायोफाइट? तो दोस्तों आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं, क्रायो टेम्परेचर जब कम होता है उसको बोलते हैं, काफ़ी कम टेम्परेचर को क्रायोजेनिक कंडीशन बोला जाता है। और फाइट यानी कि पौधे, तो ऐसे पौधे जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करें उनको क्रायोफाइट बोला जाता है। ऑप्शन अब आपके सामने और एक बार देख लीजिए, दलदल में उगने वाली वनस्पति तो ये हो नहीं सकती, टुंड्रा में होने वाली वनस्पति इसके यही चांस है, बी सी देख लेते उष्णकटिबंधीय, और डी शीतोष्ण क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, टुंड्रा में होने वाली वनस्पति। ठीक, चलिए 24वां प्रश्न लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगायत समुदाय के संस्थापक हैं, लिंगायत समुदाय के संस्थापक हैं, ऑप्शन ए जैमिनी, बी लिंगराज, सी मक्खली गोसाल, डी वासवराज। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका है वासवराज, जिन्हें वसवन्ना भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। 25वां प्रश्न है, केले में होने वाला रोग है, केले में कौन सा रोग इनमें होता है? ए ब्लास्ट, बी नेक्रोसिस, सी बंची टॉप, डी हर रॉट। इसका सही आंसर होगा सी बंची टॉप। बंची टॉप दोस्तों केले की बीमारी है। 26वां प्रश्न लेते हैं हम, महाभाष्य के लेखक कौन है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, ए पतंजलि, बी पाणिनी, सी यशुघोष, डी फिरदौसी। और इसका सही आंसर होगा, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। चलिए 27वां प्रश्न लेते हैं, प्रियदर्शिका लिखी गई है किसके द्वारा? ए हर्षवर्धन, बी बाणभट्ट, सी बाघभट्ट, डी दंडी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा, प्रियदर्शिका जो लिखी गई है वो हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन ने दोस्तों प्रियदर्शिका लिखी है, नागानंद ये और रत्नावली, ये तीन लिखी हैं, इन तीनों के आप नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट का तो जानते ही होंगे, ये हर्षचरित लिखी है इन्होंने, हर्षचरित, ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, 28वां प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूयॉर्क, मनीला, बेल्जियम या फिर रोम। तो नाटो का मुख्यालय है ऑप्शन सी बेल्जियम में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 29वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न है, विटी कल्चर के अंतर्गत खेती करते हैं, विटी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती करते हैं? ऑप्शन ए है अंगूर, बी है अंजीर, सी है सेब, डी है नींबू। इसका सही आंसर होगा अंगूर, अंगूर की खेती हम विटी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों 30वां प्रश्न है पर्यावरण से, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IPCC, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, बी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, सी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और डी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, है ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको याद रखिए। चलिए ये 30 प्रश्न थे, आपके इस 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 30 में से अगर आपके 25 प्लस में हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, UPPCS और लोअर PCS दोनों के लिए।
बाकी ये क्वेश्चन जो है नीचे दिया हुआ है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ये आप लोगों के लिए है। इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ये भी कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि डेली हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।